नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीए न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर हर एक के मन में सवाल होता है, एक तो उनकी लोकप्रियता और दूसरा जिस तरह से वो भारत में आए मेहमानों का स्वागत करते हैं और इसे लेकर वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। भारत के ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम में शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई, जिस पर भारत के साथ साथ पूरे देश की नज़र थी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई देश नजर बनाए हुए था तो वो था पाकिस्तान। महाबलीपुरम का चीन से 1700 साल पुराना नाता है, लिहाजा विरासत की जमीन पर दुनिया के दो सबसे बड़े ताकतवर नेताओं ने दो देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। सफेद धोती शर्ट अंगवस्त्रम में पहने पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति को महाबलीपुरम के प्राचीन मंदिरों और धरोहरों की अनमोल विरासत से रूबरू करवाए। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग ने अर्जुन की तपोत्थली के दर्शन किए। इस दौरान दोनों नेताओं के रिश्तों में भी गर्मजोशी देखने को मिली। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को इस ऐतिहासिक स्थल के बारे में कुछ बताया, जिसे चीनी राष्ट्रपति काफी ध्यान से सुनते नजर आए। इसके बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने वहां पर कुछ भ्रमण किया। करीब 250 टन ऐतिहासिक चट्टान पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस चट्टान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 1200 साल पुराना यह चट्टान एक ही स्थान पर है। ढलान पर होने के बावजूद भी यह भारी भरकम चट्टान सदियों से एक ही जगह पर जमा हुआ है। पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने एक साथ पंचरथ पर भ्रमण किया। महाभारत के पात्रों के नाम पर पंचरथ बनाया गया है। इस दौरान पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति एक दूसरे का हाथ पकड़कर फोटो भी खिंचवाते नजर आए। लेकिन इस यात्रा से जुड़ी एक और खबर है और वो खबर है विरोध प्रदर्शन। भारत में कोई भी कार हो, लोग इसका विरोध जरूर करते हैं। इस बीच चीनी राष्ट्रपति की यात्रा का विरोध कर रहे 11 तिब्बतियों को हिरासत में ले लिया गया। ये प्रदर्शनकारी कथित तौर पर एयरपोर्ट पर 5 सितारा होटल के बाहर तिब्बत का झंडा लेकर विरोध कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि जिस होटल में चीनी राष्ट्रपति ठहरे हैं वहां से 5 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज अभी तक नहीं हुआ है। इस मुलाकात पर कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल का भी बयान कुछ सामने आया है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को कहा कि पीएम मोदी को 56 इंच का सीना चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दिखाते हुए कहना चाहिए कि वह पाक के कब्जे वाले कश्मीर पर 5000 किलोमीटर जमीन खाली कर दे। उन्हें यह भी साफ कर देना चाहिए कि भारत में 5G के लिए कोई जगह नहीं है। सिब्बल की यह टिप्पणी भारत चीन के नेताओं की मुलाकात से पहले आई है। सिब्बल ने कहा है कि शी जिनपिंग अनुच्छेद 370 पर इमरान खान के समर्थन करते हैं। इस मुलाकात पर पाकिस्तान भी नजर बनाए हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भी इस मुलाकात पर बयान आना लाजमी सा था। जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश में हताशा हो चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को अपने सहयोगी देश चीन को भी नहीं बख्शा। पाकिस्तानी पीएम चीन की तरफ से समर्थन मिलने के बावजूद भी उसकी दुखती रग बन चुका हांगकांग से कश्मीर की तुलना कर डाली। इमरान खान ने कहा कि इंटरनेशनल मीडिया हांगकांग में चल रहे चीनी विरोध प्रदर्शन को जबरदस्त कवरेज दे रहा है, लेकिन यही मीडिया कश्मीर के मुद्दे को अनदेखी कर रहा है। इमरान खान ने यह बयान ऐसे समय में दिया जब शुक्रवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी चेन्नई के पास महाबलीपुरम में अनौपचारिक शिखर वार्ता कर रहे थे। इस दौरान इमरान खान ने कहा कि नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा छीनकर अपना आखिरी कार्ड खेल लिया है, लेकिन उन्होंने यह गलती कर दी। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से यह भी अपील की कि कश्मीर के लोगों को इस पर निर्णय स्वीकार नहीं करना चाहिए। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर नापाक कोशिश कर कश्मीर के लोगों को उकसाना चाहते हैं। आप इस खबर को कैसे देखते हैं और क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। और जो दर्शक एचसीए न्यूज़ पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।